नालागढ़ में आज अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम की अंपायर दुर्गा ठाकुर का उनके ससुराल नालागढ़ में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नालागढ़ उपमंडल के तहत पंचायत जागो से ताल्लुक रखने वाली बहू दुर्गा ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में अंपायर बनकर नालागढ़ के साथ साथ हिमाचल का भी नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला हॉकी टीम की प्रतियोगिता में अंपायर की भूमिका निभाने के उपरांत दुर्गा ठाकुर आज नालागढ़ पहुंची, जहां पर बीबीएन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा, पूर्व विधायक कृष्ण लाल ठाकुर और इंदु ठाकुर समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर नालागढ़ के विधायक व पूर्व विधायक ने दुर्गा ठाकुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंपायर की भूमिका निभाने के लिए बधाई दी। आपको बता दें, ये भारत की पहली महिला हॉकी टीम की अंपायर है। इस मौके पर दुर्गा ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अगर हिमाचल सरकार को मुझ में काबिलियत नजर आती है तो मुझे अच्छी नौकरी देनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडिया से फर्स्ट और हिमाचल से फर्स्ट अंपायर गई हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, और ये सब मुझे अपने फैमिली के स्पोर्ट से और मेरे फेडरेशन के स्पोर्ट से जो है ये सब कुछ हो पाया है। उन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया और मैंने करके दिखाया। थैंक यू, सबको थैंक यू। मैं महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ, अगर उनकी इच्छा है खेलने की और आगे करने की बढ़ने की तो उन्हें करना चाहिए, और उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो है सिर्फ फीमेल्स है सब उनको आगे बढ़ाए। तो इसमें आपकी ज्यादा सपोर्ट किसकी है? मुझे सब कुछ हो पाया तो सारा फैमिली की वजह से, अगर फैमिली सपोर्ट करती है तभी आगे बढ़ सकते हैं। फैमिली के बाद जो मेरी फेडरेशन ने मुझे जो है आगे सपोर्ट किया और इस लेवल तक पहुंचा। मेरा अगला टारगेट 2020 ओलंपिक टोक्यो है, देखती हूँ कैसे अचीव करूंगी। ये तो मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा काफी, फैमिली की सपोर्ट रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, मेरे लिए इजी होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे इस तरह से यहाँ पे वेलकम हुआ। मैं इससे पहले पठानकोट भी गई थी, वहाँ पर मेरा ऐसे ही वेलकम हुआ। तो सेम जहाँ जैसे मैं वहाँ सरप्राइज थी, वैसे मैं यहाँ पे सरप्राइज हूँ तुम्हें अच्छा करके, मेरे लिए जो इतना वेलकम किया है। मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ बीबीएन सोसाइटी वेलफेयर का, जो इन्होंने मेरे लिए जो इतना ऑर्गेनाइज किया। मैं अभी जो है वैसे इंडिया की तरफ से ही गई थी कॉमनवेल्थ के लिए, वहीं पर मैं टूर्नामेंट कंडक्ट करवाया। क्या चाहते हैं आप? अच्छी पोस्ट पर मिल जाए, मेरे में टैलेंट है तो उसका यूज करेंगे हिमाचल में, और मैं भी हिमाचल के लोगों के बीच में अपना टैलेंट बांट सकूं। तो आप सही कह रहे हैं, दुर्गा ठाकुर कॉमनवेल्थ गेम जो हो रही थी उसमें इंटरनेशनल एम्पायर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाकर आज यहाँ वापस पहुँची है, तो उनके सम्मान में यहाँ एक आयोजन किया गया जिसमें बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मेरा तो ये कहना है कि पूरे नालागढ़ के लिए सम्मान की बात है, जो मुकाम उसने हासिल किया है बहुत मेहनत से होता है, और उसकी इस बात से पूरे यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं हमारे, विशेषकर बेटियाँ हमारी, उनको पूरा एक प्रेरणा मिलेगी और वो भी आगे बढ़ेंगी। उन्हें पूरा हमारी तरफ से कोशिश रहेगी सरकार की तरफ से भी उन्हें पूरा मान सम्मान मिले, चाहे नौकरी की बात है चाहे दूसरे बेनिफिट की बात है। अब जो उन्होंने किया उसके लिए नालागढ़ का नाम रोशन हुआ, नालागढ़ ही नहीं पूरे हिमाचल का नाम रोशन हुआ, पूरा वो उसकी हकदार है, वो मिलना चाहिए, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आज की पीढ़ी को यही संदेश है कि आज की पीढ़ी जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलों में ध्यान दे, क्योंकि जो आजकल नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है, और खेलने में ध्यान देंगे तो नशों से भी दूर रहेंगे, उनका मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, और उनके समाज के लिए एक उनका कंट्रीब्यूशन भी होगी। जैसे दुर्गा ठाकुर से भी प्रेरणा उनको लेनी चाहिए और इस हद तक पहुँचे थे जैसे वो पहुँची है, बिल्कुल उसके लिए कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश करेंगे, इस बात को देनी चाहिए। उसके लिए हमारे जहाँ भी जाना होगा सीएम से मिलेंगे, वो अपनी प्रेजेंटेशन बना लें, अपनी एक बना लें, उसमें हम उनका जो वीडियो है वो करवाएंगे। बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे जगतपुर जोगों के पास गाँव है, वहाँ की बहू है, इन्होंने इतना बड़ा आज मुकाम हासिल किया है। एज ए इंटरनेशनल कोच इनकी सिलेक्शन हुई थी जो अभी ऑस्ट्रेलिया में गेम हुई, तो उसी के उपलक्ष में आज ये नालागढ़ में पहुँचे हैं। बीबीएन सोशल वेलफेयर कमेटी के ओर से इनका आज जोरदार स्वागत किया गया, और सबसे खुशी की बात इससे ऊपर ये है कि आज हमने सबको
बुलाया था इसे, तो आज बड़ी खुशी की बात है। हमारे जो मौजूदा विधायक है और पूरा विधायक दोनों आए, और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि इस लड़की को जो इसकी एजुकेशन के मुताबिक एक सरकार में एक अच्छा पद मिलना चाहिए, और हमें लग रहा है वो मिलेगा भी, क्योंकि आज ही हमने जो आदरणीय हमारे खेल मंत्री श्री गोविंद ठाकुर जी ने ये पेपर में दिया है कि हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल में भी खेल नीति वही होगी। तो हरियाणा में जो अच्छा अच्छा मेडल लेके आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको 30-30 लाख का नगद प्राइज मिलता है, उनको उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनको जॉब मिलती है। तो हिमाचल में भी एक अच्छा उन्होंने माहौल जो खेलों के लिए है शुरू किया है, और हम आदरणीय गोविंद जी ठाकुर जी से, मुख्यमंत्री से, जयराम ठाकुर जी से गुजारिश करेंगे कि हमारे एरिया की बेटी को सरकार में एक अच्छा पद दिया जाए, और नालागढ़ एरिया में एक अच्छा हॉस्टल दिया जाए। ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे लोकल नहीं पूरे प्रदेश के, क्योंकि यहाँ पे हमें कोचेज की फैसिलिटी हरियाणा पंजाब से या बॉर्डर एरिया बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो हमारे अच्छे और प्लेयर यहाँ से निकलने की संभावना है। दुर्गा ठाकुर जी ने हमारे नालागढ़ का नाम ना केवल नालागढ़ में, ना केवल प्रदेश में, बल्कि पूरे देश का नाम जो है रोशन किया है। दुर्गा ठाकुर जी पहली महिला खिलाड़ी हॉकी से, जो पहली महिला खिलाड़ी हुई है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा मकाम हासिल किया है, जिसके लिए हम सब नालागढ़ वासी और स्पेशली बीबीएन सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने आज इनके स्वागत के लिए जो ये कार्यक्रम रखा था, ये इसीलिए रखा था कि ताकि आगे जो है हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है इससे इंस्पायर्ड हो, और आगे इस तरह के लोग हमारे यहाँ से आगे निकले, लड़कियाँ आगे निकले, खेल उसमें आगे आए, युवा जो है हमारे आगे आए खेल क्षेत्र में, इसी के लिए ये आज का कार्यक्रम रखा। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।